हेलो एवरीवन, आई एम पूजा सोनी। वेलकम टू पूजा आस्क कैसल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ एक फोटो फ्रेम आइडिया, सेंग्स फ्रेम आइडिया कह सकते हैं इसे। आपने देखा होगा कि गुड वाइब्स ओनली या कोई पॉजिटिव थॉट्स वाले सेंग्स वाले फ्रेम्स मिलते हैं आजकल, जिससे लोग अपने घर को डेकोरेट करते हैं और डेली उसे पढ़कर पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं। तो ऐसा ही कुछ मैं इस वीडियो में बनाने वाली हूँ, जिससे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। मैंने जो बनाया है वो थोड़ा सा ओके टाइप है, लेकिन अगर आप इससे आइडिया लेकर कुछ अच्छा बना सकते हैं तो प्लीज़ उसे ट्राई ज़रूर करना। और इस वीडियो में मैं अब कई सालों बाद, लगभग बचपन के बाद, मैं पेंट और ब्रश यूज़ करने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरी पेंटिंग को जज मत करना, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, फिर भी मैंने ट्राई किया है, तो आप भी ट्राई ज़रूर करना, करते करते ही तो बनेगा, है ना। और क्या पता नेक्स्ट ऐसे वीडियो में मैं आपके लिए एक अच्छा सा पेंटिंग हैक ला दूँ। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी तो अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और हाँ, जिससे कुछ आता नहीं है वो ट्राई करते करते कुछ ऐसे हैक्स खोज लेता है जिससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है, तो मैं तो उन्हीं में से हूँ, तो कुछ ना कुछ हैक तो आपके लिए लाऊंगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आप कार्डबोर्ड का एक पीस ले लीजिए, मैंने यहाँ स्क्वायर लिया है, आप इसे साइज़ में अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मेरी साइज़ के अकॉर्डिंग मतलब वो बहुत ही छोटा सा बन के आया था, इसलिए साइज़ आप बड़ी लेना। इसके बाद उसे बीच से मैंने कट कर लिया था, जितना मुझे फ्रेम चाहिए था उतना। आपने देखा होगा स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर कट किया है मैंने, और उसे ब्लैक कलर पेपर से मैंने उसे कवर कर दिया है। अगर आपको कवर नहीं करना है तो उसकी जगह आप ब्लैक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ब्लैक कलर का टेप भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली मैं ब्लैक एंड वाइट कॉम्बो बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने देखा ब्लैक कलर का पेपर है पर वाइट कलर का पेपर नहीं है, तो मैंने यहाँ पर ये लाइट येलो कलर का पेपर ले लिया है, और मैंने यहाँ पर गुड वाइब्स ओनली लिखा है, जो कि बहुत ही ख़राब राइटिंग पे लिखा हुआ है। जिनकी राइटिंग ख़राब है वो मेरे साथ रिलेट कर सकते हैं कि भाई हमसे ना हो पाएगा, फिर भी मैंने ट्राई करके लिखा है और पेंटिंग की है। जी हाँ, मैंने फ्लावर बनाने की कोशिश की है यहाँ पर, और साथ में लीफ भी बनाऊंगी। आई थिंक बच्चे भी इससे अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं, फिर भी मैंने यहाँ ट्राई किया है, तो आप बिगनर्स के लिए ये समझ लो कि ये वीडियो बिगनर्स के लिए है। तो यहाँ पर ग्रीन, पिंक और वाइट कलर के पेंट से मैंने यहाँ कुछ कुछ फ्लावर्स और लीव्स की डिज़ाइंस बना दी हैं। यहाँ पर जो भी आपको अच्छा लगे आप वो बना सकते हैं। और ब्लैक कलर में मैंने गुड वाइब्स ओनली लिखा है, और इसका बॉर्डर मैंने पिंक कलर में दिया है। मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड का साइज़ थोड़ा छोटा रखा था, इस कारण ये अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अगर आप इसे थोड़े से बड़े कार्डबोर्ड पेपर में बनाएंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आपको मैं बता दूं, अगर आपको पेंटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं आती है, तो आप एक जुगाड़ ट्राई कर सकते हो। मैंने आपको कहा था ना कि जिन्हें नहीं आता है वो अलग अलग तरीके के जुगाड़ ट्राई कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही एक फ्रेम बना लो, ठीक है, एक तरफ आप इसे ओपन रखना, तीन तरफ से चिपका लो पीछे से भी, जिससे ये कवर हो जाए, बस एक तरफ खाली रहे जिससे हम अंदर साइड पेपर को डाल सकें। फिर आप किसी कंप्यूटर वाले शॉप पे जाओ, जो कोट आपको अच्छा लगे उसे आप कलर पेपर पे प्रिंट करा लो और वो लाके आप इस फ्रेम में डाल दो, है ना, बहुत ही इजी। तो आपको सिर्फ फ्रेम बनाना होगा, पेंटिंग की झंझट ही नहीं होगी। और इसकी जगह आप कोई फ़ोटो भी डाल सकते हो, और जब आपका मन करे आप चेंज कर सकते हो, है ना, बहुत अच्छा है। तो आप चाहे इसे टेबल पर भी रख सकते हो दीवार से सटा के, या फिर आप इसे लटका सकते हो दीवार पर। और डबल साइडेड टेप वाला एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल मत करना, वरना ये आपकी वॉल का पेंट लेकर बाहर निकल आएगा। अब देखो, मेरी पेंटिंग और फ्रेम चाहे जैसे भी हों, हैक्स आपको बढ़िया मिले हैं, तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना, बस इतना ही करना है। और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, और मेरी प्लेलिस्ट देखना मत भूलना, ओके।